जी अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सॉरी। और आज की वीडियो जी मैं आपको यार बता देता हूँ, मैं बेसिकली ना थोड़ा बंदा रिलैक्स होकर बैठ जाता है। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, तमाम वो बंदे खासकर मैं बोलूँगा जी जिनके निकाम एक्सपायर, जिनके हरूप जो मतलूब, जो कंपनी से भागे हुए और जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हो चुके, चाहे किसी भी सूरत में सुन लें, चाहे जेल के रास्ते। वैसे जेल की अगर बात करें तो आपको ये भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता जाऊँ, अगर आप किसी शूटर वगैरह को पकड़ाई देते हैं बनी मालक, साथ में आपको वीडियो चला कर दिखा रखा हूँ मैं उस नीम वाले पेड़ की, लाहौर होटल के सामने, बट फ्रूता के सामने मैंने बेशुमार वीडियो यहाँ से लाइव भी शेयर की हुई है आपके साथ, पुरानी पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर। अच्छा जी, बात यह है कि अगर आप शूटर को पकड़ाई देते हैं यहाँ से, हम हमारे एक दोस्त को पकड़ा शूटर ने, हम थोड़ा दूर खड़े हो गए, वो उसको जेल में ले गया, 12 दिन जेल में रखा, 12 दिन के बाद डिपोर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप इस सूरत में डिपोर्ट हुए हैं, इकामा एक्सपायर था, शूटर ने पकड़ लिया, डिपोर्ट हुए हैं, आउट पास बनाया है सफारा से, हरूक की सूरत में डिपोर्ट हुए हैं, इकामा एक्सपायर था, सफारा से खरूज लगवाया है, डिपोर्ट हुए हैं, यानी कि खरूज लग गया, पाकिस्तान आ गए, या कोई भी किसी किस्म का मिसाल के तौर पर मतलूक थे, डिपोर्ट हुए हैं, या कंपनी ने आपको पकड़वा दिया, या किसी कफील ने आपको पकड़वा दिया, या आपका लीगल तरीके से कफील से आपने अपना खरूज लगवाया और पाकिस्तान आ गए, या आप कंपनी से लीगल तरीके से खरूज लगवा कर पाकिस्तान आ गए, ठीक है। इन सूरतों, इन तमाम सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, इन सूरतों की इनको मद्देनजर रखते हुए देखें, मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बात को हाईलाइट करता रहता हूँ। आज भाई ने जो मुझे मैसेज करके इस चीज़ से के मतलब बताया, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, साथ में इनके मैसेज सुना भी देता हूँ आपको, आप इनका मसला सुन लें, इनके साथ हुआ क्या है, फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा। तमाम ये जो मसले मैंने आपको बताए, इकामा, हरू, मतलूब, कंपनी से भागे हुए, बदून कफील, पाकिस्तान से, पाकिस्तान में पहुंचे हुए तमाम भाई जो दोबारा वीजे के चक्कर में है, वो तमाम के लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, सुन लें, पहला मैसेज सुन लें इनका। जी सुन लिया जी भाई, मैं सऊदीया से डिपोर्ट हुआ था, मैं अपने जो 3 साल है या 3 साल 2 माह है वो कंप्लीट करके गया, और बाद में 3 साल से ऊपर 2 माह या 4 माह वो मैं कंप्लीट करके वापस गया, तो मुझे जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया, ठीक है, जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया और वहाँ से मुझे वापस रिटर्न कर दिया गया है। अच्छा होता क्या है, आप इस सूरत में अगर आप जद्दा, मदीना, रियाद, दमाम, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं, आपके इमिग्रेशन में जब फिंगर होते हैं ना, आपकी पिक्चर आती है, तो उनके पास सारा पुराना रिकॉर्ड आ जाता है आपके सामने, ठीक है। तो उसमें अगर खुदा न खवास्ता आपके ऊपर महल शो रखा हो तो उस सूरत में आपको इंटर नहीं होने देंगे जी, उस सूरत में फिर आपको वहीं बोलेंगे साइड पर बैठ जाएं और अपनी वापसी की टिकट का इंतजाम करें जी मेरे भाई। अच्छा होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो पाकिस्तान में भाई इस सूरत में पहुंचे या वहां पर मौजूद हैं, हरूब, इकामा एक्सपायर, मतलूब, बदून कफील या कंपनी वगैरह से भागे हुए तमाम भाइयों के लिए, आपने जब भी सऊदी अरबिया का वीज़ा लेना है ना, जब भी दोबारा जो पाकिस्तान वाले हैं वो जब दोबारा वीज़ा लेंगे, जो वहां पर बैठे हुए हैं वो भी सुन ले, उनके भी ये काम की वीडियो है। जब भाई पाकिस्तान में आने के बाद, या अगर आप पाकिस्तान में आ चुके हैं, उस सूरत में आपने जब दोबारा सऊदी अरबिया का वीज़ा लेना है ना, तो भाई आपका वीज़ा जहाँ पर आ जाएगा, आपने फिंगर करवा लिए, मेडिकल करवा लिया, वीज़े की लगवाई दे दी, शॉपिंग कर ली, ये कर ली, 1.5-2 लाख रुपए उतनी देर में खर्चा हो गया, एम्बेसी में वीज़ा लगने चला गया, वीज़ा मरहल लिख के वापस आ गया, ठीक है, उन लोगों ने वापस भेज दिया है कि आपके ऊपर मरहल है, पाबंदी शो हो रही है, आपके 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख जितने भी लगे हुए हैं ज़ाया। अक्सर भाइयों के वीज़ा स्टैम्प हो जाते हैं, जैसा कि ये भाई साहब का वीज़ा स्टैम्प हो गया, जिनके मैंने आपको मैसेज सुनाए हैं, वीज़ा स्टैम्प हो जाते हैं, जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, फिंगर होते हैं, वो बोलते हैं मरहला साइड पर बैठ जाए, अपनी वापसी की टिकट का इंतजाम करें और यहीं से वापसी का सफर करें, ठीक है। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देखें, मैं आपको ये गाइड करूंगा, आप खुद निकलवाएं यार, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि यार आप मिसाल के तौर पर फलां बंदे से निकलवा लें, फलां से निकलवा लें, आप मुझसे निकलवा लें, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपने मजीद इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, पेपर निकलवाने भी हो तो रहा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद निकलवाने हो, मैं बता दूँ, आपने अपने किसी दोस्त भाई या अहबाब को मकतबे अमल भेज देना है, मकतबे अमल में जाकर किसी सऊदी से बात कर ले, जिस किसी भाई का भी पेपर निकलवाना है,
जी उनका इकामा नंबर दे और उनका पेपर निकलवा ले। एयरपोर्ट के ऊपर जो जवाजात है, एयरपोर्ट के ऊपर जो जवाजात है वहां से भी ये निकल जाता है। जद्दा शमेसी जेल जिस जेल है इनके बाहर जो सऊदी मकतब बनाकर बैठे होते हैं उनके पास उनका इकामा नंबर ले जाए, उनसे भी निकल जाता है। मतार वाला पेपर बेसिकली चेक करवाने का मकसद है जी। मतार पेपर आप अपना चेक करवाएंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस किसी भाई से भी आपने निकलवाना है उससे साथ में ये बात जरूर कर लेनी है कि भाई मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि मैं तुझसे पेपर निकलवा रहा हूँ, ऐसा ना कि तू पेपर निकाल कर मुझे दे दे और मुझे बोले ये जी तू नहीं आ सकता। अभी कब तक नहीं आ सकता, क्या वजह है, क्या सूचना है, ये चीज़ें लाजम पूछनी है। क्यों भाई, जो हम पेपर निकलवा कर देते हैं ना साथ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिटेल सऊदी से लेते हैं भाई, ये बंदा आ सकता है या नहीं आ सकता है या मुमकिन कब तक आ सकता है, ठीक है जी। ये पूरी तफसील साथ में पूछ कर आगे बड़े बंदे को बताती है। तो तमाम ऐसे भाई जो भाई वीजे के चक्कर में है, पहले सऊदी में रह चुके हैं या वहाँ से डीपोर्ट आप वापस आना चाह रहे हैं, इकामे वगैरह एक्सपायर वगैरह या हरूब वगैरह की सूरत में, तो भाई अपना मतार वाला पेपर न्यू वीज़ा लेने से पहले ज़रूर चेक करवाइएगा, वरना भाई 5-7 लाख जितने का भी वीज़ा है वो नुकसान ही है।